दोस्तों, फ्रांसिस फुकुयामा ये एक दौर हाजिर के अमेरिकन वेल नोन पॉलिटिकल थिंकर हैं। इनका किताब जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये किताब 1992 को पब्लिश हो गई थी। अब इस किताब के लिखने से तकरीबन 3 साल पहले 1989 को फुकुयामा एक आर्टिकल लिखते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से। इसी नाम से होता यह है कि ज्यों ही ये एंड ऑफ हिस्ट्री जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ, तो इस काम ने एक बहुत बड़ी सी डिबेट जनरेट किया, वो इस हवाले से कि एंड ऑफ हिस्ट्री है क्या चीज़ और एंड ऑफ हिस्ट्री के सिग्निफिकेंस कोल्ड वॉर के बाद में क्या है। इसी पे जो है ना, एक बहुत बड़ा सा डिबेट जनरेट किया। तो जब आर्टिकल पे डिबेट बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसी के रिस्पॉन्स में फुकुयामा ने यही किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री 1992 को पब्लिश करा लिया। अब इसके बाद ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, ये एक फ्रेज के तौर पे जो पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड एरा है, सॉरी पोस्ट कोल्ड वार एरा है। कोल्ड वार आपको पता है 1945 से स्टार्ट होता है, जाके 1990s में एंड होता है। अगरचे कुछ लोगों का मानना है कि ये 1945 से पहले से स्टार्ट था, लेकिन जर्नली जो बात मानी जाती है वो 1945 टू 90s है। तो इसके बाद का जो एरा है, इसको एक तरह से एक सेनेनम के तौर पे, द एंड ऑफ हिस्ट्री को एज ए सेनेनम के तौर पे यूज करना स्टार्ट किया गया। यहाँ एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हिस्ट्री ख़त्म हो गई, यानी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, वार ख़त्म हो गई, कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गई। अब ऐसा नहीं कि ना तो पॉलिटिक्स होगी, ना तो वार, ना तो कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं है। बल्कि एंड ऑफ हिस्ट्री जब फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं, तो इनका मतलब ये है कि अब तारीख में जो एक लिजिटिमेट सी गवर्नमेंट की स्ट्रगल थी, यानी ये गवर्नमेंट बेस्ट रहेगी या ये गवर्नमेंट बेस्ट रहेगी, वो स्ट्रगल एंड हो गई। अब जो है ये समझ में आ गया लोगों को कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो बेहतरीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और कैपिटलिज्म बेस्ट सिस्टम ऑफ इकॉनमी है। तो इन दोनों की कम्बिनेशन, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की कम्बिनेशन जो है ना, वो बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है। अब ये मानना है फ्रांसिस फुकुयामा का। अब इस पे वो दलाइल कैसे देते हैं, वो ये सब कुछ हम इसी क्लिप में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने एंड तक क्लिप देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस बात को जस्टिफाई फ्रांसिस फुकुयामा ने इस बुक में कैसे किया है। उम्मीद है इस 5-10 मिनट की क्लिप देखने के बाद आपको इस पूरे बुक का एक क्रक्स समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इंसान के अंदर दो तरह के डिजायर्स होते हैं, यानी इंसान के जो ख्वाहिशात हैं वो दो तरह से हैं। दो चीज़ों की, दो तरीकों के ख्वाहिशात इंसान रखता है। सबसे पहला ये है कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास धन दौलत हो, मटेरियल गुड्स हो, और दूसरा ये कि उसकी एक पहचान हो। यानी एक तो डिज़ायर फॉर मटेरियल गुड्स एंड वेल्थ है, दूसरा है डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, यानी उसके पास पैसा हो, धन दौलत हो और लोग उसके वजूद को माने। ये दो ख्वाहिशात इंसान के अंदर होते हैं। अब ये दो ख्वाहिशात अगर हम पूरा करने के लिए देखें, तो ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम हो सकती है, ये मानना फुकुयामा का। इसके लिए देखो, अगर फर्स्ट डिजायर अगर आप देखो मटेरियल गुड्स और वेल्थ की, तो ये लाजमी नहीं है कि कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के थ्रू हो। ये इवन जो है ना, अगर हम उसके लिबरल डेमोक्रेसी के अपोजिट में जाए, बहुत हार्श सी फासिस्ट सिस्टम, फासिस्ट सिस्टम के थ्रू भी मटेरियल डेवलपमेंट हो सकती है, वेल्थ जनरेट हो सकती है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सिस्टम के अंदर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, लेकिन दूसरी जो चीज है, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, ये फासिस्ट सिस्टम के अंदर या कम्युनिज्म के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर। तो
फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि अगर हमने ये दो डिज़ायर्स पूरे करने हैं, डिज़ायर्स फॉर मटेरियल गुड्स एंड वेल्थ और फिर डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, तो बेस्ट सिस्टम होगी कैपिटलिज्म इकॉनमी के अंदर और फिर लिबरल डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स के अंदर. देन वी वुड बी एबल टू अचीव द डिज़ायर फॉर मटेरियल गुड्स एंड डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन. तो फुकुयामा जो है ना, फुकुयामा का यही कंसेप्ट कि डिज़ायर फॉर मटेरियल गुड और डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, ये कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के थ्रू ही हासिल हो सकती है. अब ये कहते हैं कि रिकॉग्निशन जो है, डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन जो है, इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत पुरानी सी एक प्लेटो की कंसेप्ट थी थेमोस की, आपको याद हो तो, उसको फुकुयामा ने बारो किया है. थेमोस दोस्तों, ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड है जिसके मानी होते हैं डिज़ायर, ख्वाहिश, शौक, ठीक है ना. और ये प्लेटो ने बहुत पहले यूज़ किया था, इसी को फुकुयामा ने बारो किया है. और फुकुयामा कहते हैं कि इंसान के अंदर दो तरीकों से थेमोस हो सकते हैं. एक हो सकती है मेगलोथीमिया, दूसरा है आइसोथीमिया. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेगलोथीमिया है क्या चीज़. मेगलोथीमिया है कि एक ऐसी ख्वाहिश की जो आप दूसरों से सुपीरियर दिखो, डिफरेंट दिखो, यूनिक दिखो, ग्रेट दिखो, तो इस ख्वाहिश को मेगलोथीमिया कहते हैं. ये यूजुअली मास्टर माइंड है, यानी ऐसे लोगों में पाई गई है जैसे नेपोलियन के अंदर या इस तरह के किसी भी अजीम बादशाह का आप नाम देख सकते हो, जिसमें ये ख्वाहिश थी कि वो बहुत बड़ी दुनिया के ऊपर कब्जा कर ले, दुनिया से डिफरेंट दिखे, कामन इंसान की तरह वो ना दिखे. तो ये क्या है, ये मास्टर माइंड है. दूसरी है आइसोथेमिया. आइसोथेमिया स्लेव माइंड है. स्लेव माइंड है, वो जस्ट इतना चाहता है कि यार मैं सबसे डिस्टिंक्ट ना दिखूं, मैं मेरे मुझे कोई सुपियोरिटी ना मिले, हाँ इतना हो कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, ये बात मान ले कि यार मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है, बस इतना माने, इससे ज्यादा नहीं चाहिए. तो अब इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, मेगलोथेमिया और आइसोथेमिया के दरमियान. तो हिस्ट्री जो है ना, फुकुयामा साहब फरमाते हैं कि हिस्ट्री जो है ना, इन दो थेमियास के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, मास्टर स्लेव कन्फ्लिक्ट है, राइट. मास्टर स्लेव कन्फ्लिक्ट है और हिस्ट्री पूरी इसी पे चलती है. याद रहे फुकुयामा बहुत हद तक हेगल से भी मुतासिर होते थे. हेगल की आपको याद है, वो कहते थे ना एक थीसिस एक एंटीथीसिस, उनके क्लैश से एक सिंथेसिस बनती है. इसी तरह से इन दोनों के स्ट्रगल को भी, इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट को भी कहते हैं कि हिस्ट्री में जो है ना, फुकुयामा कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है. जैसे हेगल कहते थे कि थीसिस और एंटीथीसिस के दरमियान कन्फ्लिक्ट है हिस्ट्री, इसी तरह से फुकुयामा का मानना था कि हिस्ट्री जो है ना, मेगलोथेमिया और आइसोथेमिया के दरमियान कन्फ्लिक्ट का नाम है. और ये दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, क्योंकि मास्टर कभी भी जो है ना, अपने सुपीरियर स्टेटस छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, और स्लेव जो है ना, वो अपनी रिकॉग्निशन चाहता है. और अगर ये हम कन्फ्लिक्ट रिजोल्व जाके जिस स्टेज पे होते हुए हमें नजर आता है, वो होता है कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के सिस्टम में. क्योंकि ये सिस्टम के अंदर ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होता है, क्यों, क्योंकि मटेरियल गेंस की आपकी डिज़ायर पूरी होती है और आपकी रिकॉग्निशन भी पूरी होती है. कैपिटलिज्म आपको मटेरियल गेंस देगी, क्योंकि कैपिटलिज्म, इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन सिस्टम ऑफ इकॉनमी इस सेंस से है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन के जरिए मैक्सिमम प्रोडक्शन इसके थ्रू पॉसिबल है.
हैं और लिबरल डेमोक्रेसी के थ्रू हर किसी को रिकग्निशन मिल सकती है। तो ये दो नोशंस कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं अगर हम एक ऐसे सिस्टम बना दें जो कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की कम्बिनेशन हो, यानी इन दोनों के मिल से बन जाए। तो इससे आपको आपके जो गेन ऑफ वेल्थ है वो भी शौक पूरा हो जाएगा और आपकी रिकग्निशन भी हो जाएगी। अब फुकुयामा कहते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री, जो अब हमने गेन किया कंबिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के थ्रू, ये कोई वेलकम न्यूज़ नहीं है, यानी ये कोई अच्छी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट मैन को प्रोड्यूस करती है। सो लास्ट मैन इज समवन हु इज सेटिस्फाइड विद मोर इक्वल राइट्स एंड मटेरियल कंफर्ट्स। सो दे परसू इक्वेलिटी एट द एक्सपेंस ऑफ परसूट ऑफ एक्सलेंस। Fukuyama was saying that that those societies who have achieved end of history must also provide some ways to express megalothemia, not in the political field, but in economic field, in scientific field, or in creative fields. So, quest for equality must not be repeated in other fields. So, दोस्तों देखो यही ना कि एंड ऑफ हिस्ट्री वेलकम पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिस नेशन ने मेगलोथेमिया अचीव किया है, आइसोथेमिया अचीव किया है, उसको जरा मेगलोथेमिया के तरफ जाना चाहिए। मेगलोथेमिया अगेन फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम सुपीरियर दिखने के लिए जाके दूसरी कौम के ऊपर काबिज हो जाएं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। बल्कि किस तरह होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर, क्रिएटिव फील्ड के अंदर सुपीरियर बनने की कोशिश जारी रखें। तो दोस्तों उम्मीद है इससे जो है ना आपको एंड ऑफ हिस्ट्री जो बुक है उसको थोड़ा समझने में आसानी होगी। एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो फ्रांसिस फुकुयामा ये कहते हैं कि अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की कम्बिनेशन से एक सिस्टम बना दे तो उससे इंसान के जो दो डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर ऑफ रिकग्निशन और डिज़ायर ऑफ वेल्थ, ये दोनों पूरे हो सकते हैं, यानी आइसोथेमिया और मेगलोथेमिया पूरे हो सकते हैं। और आइसोथेमिया और मेगलोथेमिया की जो कन्फ्लिक्ट है ये हिस्ट्री इसी से बनी है, और जिस कौम ने एक दफ़ा आइसोथेमिया हासिल किया तो उसे पॉलिटिकल नहीं बल्कि दूसरे फील्ड्स में मेगलोथेमिया की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए एंड ऑफ हिस्ट्री कोई वेलकम पॉइंट नहीं है, यानी वो पॉइंट नहीं है जहां पर आपने आइडियल सिचुएशन हासिल किया है एंड यू डोंट हैव टू गो फर्दर। ऐसा नहीं है, आपने आगे भी जाना है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।